और एक खबर कन्नौज से है, जहां आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के कड़े निर्देश होने के बावजूद माल वाहन ट्रक ट्राली पिकअप आदि में सवारियां ढोते लोग दिखे, तो वही सुरक्षा व्यवस्था के सवालों पर मौजूद पुलिस प्रशासन चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए। देखिए हमारे संवाददाता रंजीत सिंह की कन्नौज के जलेश्वर घाट से जीरो ग्राउंड की खास रिपोर्ट। इस समय हम कन्नौज के अलीपुर जलेश्वर घाट पर मौजूद हैं और यहाँ सुबह 4 बजे से भक्तों का जो गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने वाले भक्त हैं वो सुबह से तांता लगा हुआ है। हमारे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर लगभग यहाँ से जो घाट है जलेश्वर घाट है वहाँ की दूरी लगभग 500 मीटर की दूरी होगी और यहाँ पर वाहन ऑलरेडी पहले से रोक दिए जा रहे हैं क्योंकि पीछे का जो वो रोड है वो टूटा हुआ है। और अगर यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि की बात करें तो पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पुलिस बल की जो तस्वीरें दिखाएं जो यहाँ पर कन्नौज पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और वहीं दूसरी तरीके अगर बात करें तो जिला प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए थे कि जो डग्गा मार वाहन है माल वाहन है वो पूरी तरीके से ना कोई लेकर जाए क्योंकि अभी हाल में ही उन्नाव और हरदोई में घटी घटना से लोग पहले से ही स्तब्ध थे। मैं मौजूद हूँ सरस्वती मंदिर और शिव जी के मंदिर के पास। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा मंदिर की तस्वीरें दिखाएं। आप जो सामने देख रहे हैं वो सरस्वती जी का मंदिर है और उसके जो राइट साइड में देख रहे हैं वो शंकर जी का मंदिर है। अगर आज श्रोताओं की बात करें श्रद्धालुओं की बात करें जो गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछली बार से 50% लोग हैं क्योंकि यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से साफ तौर से कड़े निर्देश दिए गए थे जो माल वाहन वाहक हैं उन पर बैठकर बिल्कुल गंगा नहाने ना आए ताकि कोई घटना घटित ना हो सके। अगर सुरक्षा दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे क्या सुरक्षा दृष्टि को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर सुरक्षा दृष्टि को लेकर क्या हम बांट नहीं दे पाएंगे। जी जी हमारे ऐसा देख पाते जी फिर भी सुरक्षा दृष्टि को लेकर आपकी ड्यूटी लगाई गई है क्या कुछ समझा जी। देखिए यहाँ पर जो चौकी नवरंगपुर के एसआई धीरेन्द्र सिंह है उनका सुरक्षा दृष्टि को लेकर बोलना बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम हमारे जो एसओ साहब हैं वो बांट देंगे। पर उस समय हम उस गंगा घाट पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ एसडीआरएफ की टीम मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि को लेकर यहाँ पे रस्सी लगाई गई है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा सुरक्षा की कुछ तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे अगर कोई घटना घटती तो कितनी बड़ी चूक हो सकती है प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई एसडीआरएफ की टीम मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है एक रस्सी का सहारा दिया गया यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं जो गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाए हुए हैं। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर सुरक्षा दृष्टि को लेकर वो क्या कह रहे हैं। चाचा ये बताइए यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि नहीं नजर आ रही, क्या आपका कहना है यहाँ पर एक रस्सी के सहारे आप लोगों को गंगा जी में नहलवाया जा रहा है। ये तो पुलिस प्रशासन है भैया, जैसा करते हैं वही वैसा मानते हम लोग। तो आप इसमें किसकी चूक मानते हैं? ये तो शासन की चूक है ना। तो देखिए हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर से बताया यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से शासन प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। और हम एक दो लोगों से भाइयों से बात करेंगे। चाचा जी आज आप गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने आए, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो यहाँ कोई प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है जी। हाँ क्या लगता है आपको यहाँ पे? यहाँ लगता है मौजूद नहीं है। नहीं है मौजूद, पीछे है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कोई एसडीआरएफ टीम मौजूद नहीं है, यहाँ कोई असुरक्षित स्थान है सब देखने को। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए जो आप आज गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने आए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपको कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ व्यवस्था तो नहीं उतनी अच्छी है जितना अच्छा लग रहा है। क्या मतलब था आज चंद्र ग्रहण भी शाम को लगेगा, सूचक लग रहा है। तो ऐसे में पूजा पाठ जो है वो तो क्या बाधित हो रही है? हाँ बाधित तो हो ही रही है, जब कोई व्यवस्था नहीं है तो पूजा पाठ तो बाधित हो ही रही है। तो देखिए बिल्कुल इन जो यहाँ पे श्रद्धालु उनका साफ तौर से कहना है यहाँ पे पहले नंबर में तो यहाँ पे जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए जाने थे वो इंतजाम नहीं है। और दूसरी तरफ से आज जो है गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद में कोई पूजा अर्चना नहीं की जाएगी क्योंकि आज सूतक लग रहा है। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह के साथ रंजीत सिंह, न्यूज़ 9। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।